Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Numan Shopping Center. मेरे घर में सब बैंड बैठी था और माजरत के मैं बहुत देर बाद अपने चैनल पर बैक आया हूँ. थोड़ी सी हालात की मजबूरी की वजह से मैं नहीं आ पाया. थोड़ी सी टेंशन थी घर में जिस वजह से मैं अपने भाइयों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाया. इंशाल्लाह मैं टीम से रेगुलर भाई और बहनों के लिए जिस तरह की भी वीडियो कहेंगे मैं लाजमी इंशाल्लाह बनाऊंगा और अपने बहन भाई की मैं लाजमी पूरी करूंगा. आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि बहुत जबरदस्त वीडियो है. आजकल जो कह लीजिए गर्मी जो बढ़ गई है, पसीना आ रहा है, पसीना आपका खुश्क नहीं हो रहा जिसकी वजह से गर्मी के दाने बन रहे हैं, बहुत से रेडनेस हो रही है, बहुत से ऐसे बहन भाई की कंप्लेन आ रही है कि कोई ऐसी वीडियो बनाए जो कि गर्मी के दानों जैसे एंटी एजिंग हो रही है बहुत ज्यादा, स्किन का लमक जाना नीचे की तरफ, स्किन का बहुत ज्यादा रफ हो जाना. इंशाल्लाह इसके मुताबिक मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि बहुत मजेदार और अच्छी वीडियो आपके लिए साबित होगी. तो अभी हम वीडियो की तरफ चलते हैं. उससे पहले मेरे नीचे दिए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, शुक्रिया. तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपके लिए मुल्तानी मिट्टी जो कि मड मास्क भी जिसे बोला जाता है, मुल्तानी मिट्टी मड मास्क के तौर यूज की जाती है. मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी आइटम है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है. मुल्तानी मिट्टी लाजमी हर एक को चाहिए कि हफ्ते में एक बार लाजमी मुल्तानी मिट्टी को यूज करें. मुल्तानी मिट्टी के बहुत से फायदे हैं. मुल्तानी मिट्टी कहने के जो कि ज्यादा उम्र बड़ी औरतों के लिए एंटी एजिंग बन जाती है, स्किन नीचे की तरफ लमक जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनती है जो कि बहुत देखने के काबिल नहीं रहती. मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी आइटम है. मुल्तानी मिट्टी मड मास्क के तौर भी यूज की जाती है. ये रही मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी आप किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल आइटम कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ये इजीली आपको मिल जाती है. मुल्तानी मिट्टी यूज करने का तरीका भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और इसके फायदे भी बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको मुल्तानी मिट्टी के फायदे बताता हूँ. मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है, आपकी स्किन में से जो रेडनेस होती है उसको दूर करती है, आपकी स्किन को ताजा और नशीनुमा बनाती है. मुल्तानी मिट्टी आपके जो गर्मी के दाने बने हैं जैसे स्किन वगैरह पर पसीना वगैरह आ जाता है, जितनी गर्मी बढ़ रही है हर कोई टिश्यू के साथ साफ करता है लेकिन जो स्किन है वो रेडनेस होने लग जाती है. इंशाल्लाह जो बहन भाई है मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करेगा, कोई भी मुल्तानी मिट्टी या तरीके से अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह भाई की वीडियो से आपको फायदा होगा. भाई की वीडियो से इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा. ये हर्बल फॉर्मुलेशन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. ये आपकी स्किन को टाइट करती है, जो क्या लगे दाने बनते हैं दाने निशाना छोड़ जाते हैं, दबे बन जाते हैं, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो साबित होगी. जो भाई इस मसले के लेकर परेशान है तो लाजमी लाजमी मुल्तानी मिट्टी को यूज किया करें. हफ्ते में एक बार लाजमी मुल्तानी मिट्टी यूज करनी चाहिए, ये स्किन की नशोनुमा को बरकरार रखती है. तो आइए मैं आपको ये लेकर जाता हूँ मुल्तानी मिट्टी बनाने का आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने मुल्तानी मिट्टी बनानी है और कैसे यूज करनी है. ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ. तो ये मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आप देख लेना अपने फेस के हिसाब से 2 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी के ले लेने हैं. अगर घर में आपके पास एलोवेरा जेल भी है, दूध तो लाजमी सी बात हर घर के हर घर में होता है, दूध भी लेना है, 2 चम्मच दूध के ले लेने हैं आपने, 2 चम्मच के गुलाब के ले लेने हैं और एलोवेरा जेल के पत्ते लेने हैं आपने, एलोवेरा जेल के पत्ते लेने हैं और उसके छोटे छोटे से स्लाइस बना लेने हैं आपने, उसको ग्राइंड कर लेना है. ठीक है, उसको ग्राइंड कर लेना, उसमें से जेल नहीं निकालना, उसको आपने टोटल ग्राइंड कर लेना है और मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा जेल का ग्राइंड किया हुआ सारा मिक्सचर, दूध और अरके गुलाब, इन 4 चीजों को आपने सिर्फ 2-2 चम्मच लेने हैं अपने फेस के हिसाब से, जितना आपके फेस पे लग जाए. आपने जो इन 4 चीजों को मिला के आपस मिक्सर बना लेना है, 10 से 15 मिनट आपने इसको मिक्सर बना के रख लेना है, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, खुश्क नहीं होने देना. जब आपको पता लगे कि खुश्क होने वाला तो आपने अपने फेस पे लगा लेना है. ठीक है, जब आपने फेस पे लगाना है तो मिनिमम भी आधा घंटा आपने फेस पे लगा रहने देना है. ये अगर फेस पे आपका लगा रहेगा तो इंशाल्लाह आपका जो फेस दाने वगैरह बनने हैं कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह वो आधे घंटे के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी स्किन टाइट हो रही है, रेडनेस क्लियर हो रही है, दाने इंशाल्लाह एक ही हफ्ते के अंदर आपको सारे दाने बैठ जाएंगे. तो बहने और भाई एंटी एजिंग
के लिए परेशान है, आंखों के नीचे स्याह हो गए बन चुके हैं, जिनके लिए उनके लिए ये मुल्तानी मिट्टी जब आपने उतारनी है, हल्के गुलाब ले लेना है, हल्के गुलाब ले लेना है और कॉटन ले लेनी है, कॉटन मतलब रुई ले लेनी है आपने, ठीक है, रुई का छोटा सा पीस ले लेना है, हल्के गुलाब में उसे लगा के आपने आपने अच्छे से उसकी मसाज करनी है, ठीक है, मसाज करनी है आपने उसकी अच्छे से, रुई के साथ मसाज करनी है, आराम आराम से करनी है, नरम हाथों से करनी है, सख्त हाथों से आपने मसाज नहीं करनी, इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट आपने मसाज करनी है और आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन पर कितनी ग्लोइंग आई है, आपके इंशाल्लाह एक ही वक्त के दौरान में आपके इंशाल्लाह स्याह के कम होना शुरू हो जाएंगे और आप खुद फील करेंगे कि भाई ने आज हमारे लिए अच्छी वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और फायदेमंद साबित होगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी इस चैनल पर न्यू आए बहन भाई मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह हमेशा आपके लिए एक अच्छी से अच्छी और नई से नई वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाता रहूंगा। तो इसलिए मेरी नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाजमी